संभावना स्कूल में 4 दिवसीय राखी मेकिंग कार्यशाला का शुभारंभ। कार्यशाला में कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों ने लिया भाग। आगामी 12 अगस्त को बच्चों द्वारा निर्मित राखी के लगाई जाएगी प्रदर्शनी। संभावनावासी उच्च विद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित हुआ कार्यशाला। आरा शहर के शुभ नारायण नगर मौझौवा स्थित शांति स्मृति संभावनावासी उच्च विद्यालय के जुबली हॉल में मंगलवार को 4 दिवसीय राखी मेकिंग कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र एवं प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। संचालन कला शिक्षक संजीव सिन्हा ने की राखी मेकिंग कार्यशाला में वर्ग 6 से लेकर वर्ग 12 तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि राखी मेकिंग कार्यशाला आगामी 10 अगस्त तक चलेगा। 12 अगस्त को विद्यालय परिसर में बच्चों द्वारा बनाई गई राखियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उसमें से बेहतरीन राखियों को सेलेक्ट करके फौजी भाइयों को भेजा जाएगा। प्रदर्शनी के बाद पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होगा। जो बच्चे बेहतरीन राखी का निर्माण करेंगे उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि रक्षाबंधन पर बहने बाजार में पैसे से राखियां खरीदी जाती हैं, लेकिन जो राखी बहने खुद से बनाती है उसमें स्नेह प्यार और कला होता है। यहाँ बनाई गई राखी आप अपने भाइयों को भी बांधेंगी। इसके अलावा उन राखियों में से बेहतरीन राखियों को सेलेक्ट करके देश की सरहद पर तैनात फौजी भाइयों को भेजा जाएगा। इन राखियों के माध्यम से हम फौजी भाइयों के स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद ज्ञापन कला शिक्षक विष्णु शंकर ने किया। फिर इसमें इस तरीके से हम डाल देंगे, ठीक है। देखो इस तरीके से ये दोनों मुंह जो है ना ऐसे पकड़ेंगे और फिर इस तरीके से हम इसमें ये डाल देंगे, ताकि इसमें हम मोती जो है आराम से डाल सके और इसको इस तरीके से पॉइंटेड बनाएंगे, ठीक है। नहीं हो रहा है तो जैसा हमने पहले बताया थोड़ा सा फेविकॉल डाल देंगे ब्लू और फिर इसको हम क्वाइटेड कर लेंगे। फेविकॉल डाल देने से कड़ा हो जाता है तो आपका मोती जो है इसमें आराम से चला जाएगा। हो गया। आगे बढ़े सबसे पहले छोटा मोती हम डालेंगे इस पॉइंट में। अब आ गया। अब फिर इसके बाद एक बड़ा मोती उसको डाल लेंगे। देखो ऐसे। फिर एक बड़ा सा वो जो रफ वाला मोती है क्रिस्टल जैसा ऐसा ये भी आ गया। हो गया। मंच पे उपस्थित विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कुमार विजेंद्र सर, कला शिक्षक श्री संजीव सिन्हा, श्री विष्णु शंकर और मीडिया से उपस्थित कृष्णा जी और तमाम मेरे विद्यालय के छात्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप सभी यहाँ बैठे हुए हैं राखी मेकिंग वर्कशॉप के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे राखियाँ तो बाज़ार में उपलब्ध हैं
लेकिन हम पैसे से खरीदते हैं, लेकिन जो हम बना करके बनाते हैं उसमें हमारा स्नेह होता है, उसमें हमारा जो हम कल्पना सोचते हैं अपने क्रिएशन को उसमें डालते हैं, है ना। तो बहुत सारी बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं राखी मेकिंग में, तो आपको सीखना है मन से पढ़ने के लिए। तो यहाँ हजारों बच्चे पढ़ते हैं ना, लेकिन उन हजारों बच्चों में से आपने अपना नाम अंकित करवाया इस वर्कशॉप के लिए, यानी कि आपको इस आर्ट के प्रति रुझान है ना, रुचि है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। तो आपकी कला को निखारने का काम आपके जो शिक्षक हैं, कला शिक्षक, वे लोग करेंगे। और इस वर्कशॉप की खासियत आप लोग जानते हैं क्या है? इस वर्कशॉप की खासियत ये है कि आपके द्वारा बनाई गई राखियों को आप अपने भाइयों को तो बांधेंगे ही, साथ ही सीमा पर तैनात सैनिक भाइयों के लिए भी राखियां आपके बनाई राखियों में से चुन करके जाती हैं। जो अच्छी होती हैं राखियां, जो सुंदर होती हैं, वे हम लोग अपने सैनिक भाइयों के लिए भेजते हैं और यह दर्शाते हैं कि आप सीमा पर हैं, लेकिन आपके हिंदुस्तान की करोड़ों बहनें, करोड़ों जनता आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी उम्र के लिए हम सभी दुआ करते हैं। और यह हम चाहते हैं कि आप हैं तो हम सुरक्षित हैं और हमारा त्योहार सुरक्षित है ना। तो बस इतना ही कहेंगे कि मन लगा करके आप लोग सीखेंगे और हम लोग देखें कैसा कैसा आप लोग अपने कल्पना को अपनी राखियों में उकेरते हैं। बहुत राखी मेकिंग वर्कशॉप में आप सभी छात्राओं का, हमारे कला शिक्षक विष्णु जी, संजीव जी और आचार्य अर्चना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये राखी मेकिंग वर्कशॉप 4 दिनों तक चलेगा। इसमें हमारे कला शिक्षक आप लोगों को राखी कैसे बनाया जाता है बताएंगे और आपसे बनवाएंगे। 5वें दिन जो राखी यहाँ पर वर्कशॉप पर तैयार होंगी, उन राखियों का एक प्रदर्शनी लगाया जाएगा। और 6वें दिन उस प्रदर्शनी में से चुने हुए राखियों को हम लोग सेना पर, सीमा पर तैनात जवानों को भेजेंगे, ताकि रक्षाबंधन में जो ड्यूटी में लगे रहते हैं उनके पास ये राखियां जा सकें। और संभावना स्कूल के बच्चे बच्चियों द्वारा बनाया गया राखी वो अपने कलाई पर सजा सकें। तो ये पूरा कार्यक्रम होगा। 5वें दिन पुरस्कार वितरण भी होगा, जो बच्चे अच्छा करेंगे उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम 4 दिवसीय राखी मेकिंग वर्कशॉप है। विद्यालय में पठन पाठन के अलावे समय समय पर इस तरह की गतिविधियां चलती रहती हैं, ताकि बच्चों की प्रतिभाओं का पता चलता रहे और बच्चों को भी एक नया माहौल मिलता है, कुछ सीखने का अवसर होता है। इस कार्यशाला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ से बनाई हुई राखियाँ बच्चियाँ अपने भाइयों के लिए तो रखती ही हैं, रक्षाबंधन पर बांधती ही हैं। साथ ही हमारे विद्यालय की परंपरा रही है कि सीमा पे तैनात सैनिकों के लिए हम लोग इन राखियों को भेजते हैं और अपना समर्पण, अपना भाव उनको दिखाते हैं कि आप खड़े हैं सतत हमारी रक्षा के लिए, तो हम भी अपनी आपकी रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यह 4 दिवसीय वर्कशॉप है, 4 दिनों के बाद समापन होगा और समापन में जो बेस्ट राखियाँ होंगी उसके लिए बच्चों को अवार्ड भी दिए जाएंगे। जी, आज हमारे यहाँ राखी वर्कशॉप का शुरुआत हुआ है जो 4 दिनों तक चलेगा। इसमें बच्चों को अलग अलग तरह की राखी बनाने की विधि बताई जाएगी और इस वर्कशॉप से जो राखियाँ तैयार होंगी उस राखी को हम लोग सीमा पर जो हमारे जवान हैं उनके लिए भेजते हैं। तो ये परंपरा हमारे यहाँ, ये राखी वर्कशॉप 4 दिन तक चलेगा और 5वें दिन जो भी बच्चा किया है उसको प्रत्येक बच्चा का राखी लेकर 10-12 जितना होगा एक सीट में लिया जाएगा और उसको चिपकाकर डिस्प्ले किया जाएगा और एग्जीबिशन किया जाएगा। उसके बाद जो बच्चा अच्छा करेंगे उनको प्राइज भी दिया जाएगा और इस तरह से वो राखी जो है, जो चुना हुआ बढ़िया राखी रहेगा उसको सरहद पर दिया जाएगा सैनिकों को बांधने के लिए और इसी तरह से हम लोग का समापन होता है। हाँ, प्रत्येक साल होता है, ये हम लोग का आरा में शुरुआत किया हुआ है। विष्णु शंकर, कला शिक्षक।
संभावना स्कूल।